हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त विनोद कुमार कुशवाहा और आप देख रहे हैं सिने टॉकर चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम चकी मूवी सीरीज के चैप्टर 2 यानी कि चाइल्ड प्ले 2 मूवी की स्टोरी को आपके सामने एक्सप्लेन करने वाले हैं। और अभी तक आप लोगों ने चकी मूवी सीरीज के पहले पार्ट को नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करके या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से उसे देख सकते हैं। तो चकी के इस इंट्रो के साथ शुरू करते हैं। तो इस कहानी की शुरुआत चकी के हारने या पिछले इवेंट के 2 साल बाद से शुरू होती है, जहां हम देखते हैं कि प्ले पाल्स कॉर्पोरेशन के लोग चकी डॉल को यानी कि चकी को पूरी तरह से एक नई डॉल में बदल देते हैं। और हम देखते हैं कि मिस्टर सॉलिवन अपने असिस्टेंट मैडसन से मिलते हुए अपनी कंपनी के रेपुटेशन के बारे में बात कर रहे हैं। और हमें यहाँ पता चलता है कि चकी के हंगामे के बाद कंपनी पे बहुत ज्यादा बुरा असर पड़ा है और एंडी की मॉम एक मेंटल हॉस्पिटल में बंद है और एंडी चिल्ड्रन केयर सेंटर में रहता है। और हम देखते हैं कि दोनों बातचीत करते हुए उसी डॉल को देखने के लिए जाते हैं। और जब उसके वर्कर चकी डॉल में आंखें फिट कर रहे होते हैं तो थोड़ी रुकावट के बाद मशीन में शॉर्ट सर्किट हो जाता है और जिसकी वजह से उसमें से एक एम्प्लॉय का काम तमाम हो जाता है। और फिर हम देखते हैं कि एंडी अपने साइकेटिस्ट के साथ बातचीत करते हुए गेम खेल रहा है। और हमें यहाँ ये भी पता चलता है कि एंडी को अभी भी चकी के बुरे सपने आते हैं। और इधर हम देखते हैं कि मिस्टर सुलिवर मैडसन से बातचीत करते हुए इस मामले को जल्द से जल्द छुपाने और रफा दफा करने को बोलते हैं। और चकी डॉल के बारे में पूछने पे वो उसे बताते हैं कि इसे उठाकर कच्चे के डिब्बे में फेंक दो। और फिर हम देखते हैं कि चाइल्ड केयर सेंटर में मिस्टर एंड मिसेस सिंपसन एंडी को गोद लेने के लिए बात कर रहे हैं। और फिर हम देखते हैं कि दोनों बातचीत करने के बाद अपने फॉस्टर होम में या गोद लेते हुए उसे अपने घर ले जाते हैं। और हम देखते हैं जब एंडी घर के नजारे को देखते हुए उनके एंटीक सामान को छूने लगता है तो वो लोग उसे वार्न करते हुए बताते हैं कि वो इन सामानों को नहीं छू सकता है और ये मूर्ति या स्टैचू पूरे 3 पीढ़ियों से उनके परिवार के साथ है। और हम देखते हैं कि जब वो ऊपर जाता है तो म्यूजिक की आवाज सुनकर जब वो दरवाजा खोलता है तो वो काइल से मिलता है और जोएन से बातचीत करते हुए हमें पता चलता है कि वो भी एक फॉस्टर चाइल्ड है और उसे आए हुए इस घर में 3 हफ्ते हुए हैं। और फिर जोएन एंडी को ले जाते हुए उसे उसका कमरा दिखाती है और जब एंडी खिलौनों को देखता है तो उसे देखकर खुश हो जाता है। और जब जोएन उसे बताती है कि अलमारी में और भी खिलौने पड़े हुए हैं तो वो उसे खोलकर देखने लगता है और चकी डॉल के गिरने की वजह से वो उसे डर कर भागने लगता है। और फिर उसे रोकते हुए बताता है कि उसे कभी भी घर में दौड़ना नहीं है। और जोएन चकी डॉल को देखने के बाद उसे माफी मांगते हुए उसे लेकर चली जाती है। और फिर हम देखते हैं कि मैडसन चकी डॉल को कूड़े में फेंकने के बजाय अपने खिलौनों के कलेक्शन में शामिल कर लेता है। और हम देखते हैं जब वो अपनी फैमिली से बात कर रहा होता है तो चकी उठकर बैठ जाता है। और जब मैडसन अपनी गाड़ी को रोककर शराब की बोतलें खरीद रहा होता है तो इधर चकी मैडसन के बैग को खोलकर और छानबीन करने के बाद चिल्ड्रन केयर सेंटर में फोन करके उसके वार्डन से बातचीत करते हुए एंडी के बारे में सारी चीजें जान जाता है। और जब मैडसन दुकानदार से कैश ना होने की वजह से कार्ड लेने की बात कर रहा होता है तभी उसकी कार आवाज करने लगती है। और जब कार की आवाज बाहर से बंद नहीं होती है तो कार के अंदर जाने के बाद गाड़ी स्टार्ट करके चला जाता है। और फिर चकी उसे डराते हुए उसे ड्राइव करने को बोलता है। और एंडी के घर के पास पहुंचने के बाद उसे कुछ दूर ले जाकर उसके हाथ बांध देता है और अपने बंदूक का जलवा दिखाने के बाद और थोड़ा हंसाने के बाद उसका काम तमाम कर देता है और फिर दरवाजा खोलकर अंदर घुस जाता है। और हम देखते हैं कि जोएन एंडी को गुड नाइट स्टोरी सुनाने के बाद उसके कहने पे उसे लोरी सुनाने लगती है और उस लोरी को सुनकर चकी भी नीचे झूमने लगता है। और जब पीछे मुड़ता है तो टॉमी उसे डिस्टर्ब करने लगता है जिसके बाद वो उसी स्टैचू को उठाकर उसका मुंह बंद करने लगता है। और उसकी मारने की आवाज को सुनकर एंडी उठकर बैठ जाता है और जोएन के कहने पे फिर से वो सो जाता है। और चकी टॉमी का मुंह बंद करने के बाद और स्टैचू को तोड़ने के बाद उसे मिट्टी में गाड़कर ढक देता है। अंदर आराम करो, गुड नाइट। और जब फिल उस स्टैचू के टूटे हुए पार्ट को दिखाकर जोएन से उन्हें माफी मांगने को बोलता है तो वो दोनों बोलते हैं कि मैंने कुछ नहीं किया, मैंने ये नहीं किया। और फिर ये सुनने के बाद उनको सजा देते हुए उन्हें घर में रहने को कहता है। और फिर एंडी और काइल्स मिलकर बातचीत करते हुए कपड़े धो रहे हैं। और फिर एंडी काइल से सिगरेट का लेसन लेने के बाद जब वो किचन की तरफ जाता है तो फिल और जोवेन को उसके बारे में बातचीत करते हुए भी सुनता है। और फिर चकी के पास पहुँच उससे बोलता है कि वो उससे नफरत करता है। और जब टॉमी अपना परिचय देता है तो वो उसे उठाकर उसकी बैटरी चेक करता है और बैटरी होने की वजह से वो उसे लेकर बाहर चला आता है। और फिर हम देखते हैं कि एंडी और काइल्स उसी जगह पे
जहाँ पे चकी ने टॉमी को गाड़ा था, वहीं पे बारी बारी से झूला झूलते हैं और चकी उस नजारे को चुपचाप बैठकर देख रहा होता है। और फिर हम रात में देखते हैं कि चकी एंडी को बांधकर और उसे सरप्राइज देते हुए फिर से अपना अधूरा काम पूरा करने लगता है और काइल के आ जाने की वजह से उसे वार्निंग देकर, ये अभी खत्म नहीं हुआ है मेरी नन्ही नामुराद, और मैं अपनी जिंदगी एक प्लास्टिक के खिलौने में नहीं बिताऊंगा, अगली बार तुम अकेले हुए तो मेरे हुए, डॉल में बदल जाता है। और जब काइल उसे छुड़ा रही होती है तो शोर होने की वजह से फिल और जोवेन वहां पे आ जाते हैं और उनका सारा शक काइल पे जाता है। और जब एंडी दौड़ते हुए फिल को ये बताने की कोशिश करता है कि अगर उसने चकी को नहीं मारा तो वो उसे ले जाएगा, जिस पर फिल उसे समझाने के बाद उस चकी डॉल को बेसमेंट में फेंक देता है और फेंकने की वजह से चकी के नाक से खून बहने लगता है। और इस खून की वजह से हमें पता चलता है कि चकी डॉल में रहने की वजह से चकी फिर से इंसान बन रहा है। और हम देखते हैं जब वो दोनों सुबह स्कूल जा रहे होते हैं तो काइल उससे पूछती है कि तुमने अपने आप को इस तरह से कैसे बांध लिया। और जब एंडी उसे बताता है कि ये सब चकी ने किया है तो वो उसकी बातों पे विश्वास नहीं करती है, जिसकी वजह से एंडी उस पे गुस्सा होते हुए अपने स्कूल बस में चला जाता है। और हम देखते हैं कि एंडी के बस में बैठने के बाद चकी भी उसके स्कूल बस में चढ़ जाता है। और हम देखते हैं जब सभी बच्चे स्कूल के बाहर खेल रहे होते हैं तो चकी एंडी के क्लासरूम में जाकर उसके काम को ढूंढने के बाद उसमें कुछ लिख देता है, आज नहीं तो कल पछताते हैं, दफा हो जाओ माइक्रोचिप। और फिर हमें बाद में पता चलता है कि चकी ने उसके पेपर पे क्या लिखा है। और जब एंडी अपने सामान को रखने के लिए डोर खोलता है तो उसे वहाँ पे चकी डॉल मिलती है। और फिर उसकी टीचर उस पे गुस्सा होते हुए उससे जब पूछती है तो वो चकी डॉल की तरफ इशारा करता है, जिसके बाद उसकी टीचर उसे पनिशमेंट देने के बाद उसे अपने स्टोर में फेंक कर बंद कर देती है और बाद में उसे उसी क्लासरूम में बंद करके चली जाती है। और जब एंडी उस दरवाजे के पास जाकर उस लॉक के अंदर से देखता है तो चकी उसे डराते हुए उसे बाहर निकालने को कहता है और एंडी उससे डरते हुए खिड़की को खोलकर भाग जाता है। और जब उसकी टीचर दरवाजा खोलकर अंदर आती है तो एंडी उसे नहीं मिलता है और दरवाजा खटखटाने की वजह से उसे लगता है कि वो भी उसके अंदर है। और जब वो उसे खोलकर उसे बाहर आने को कहती है तो एंडी के बाहर न आने की वजह से उसे खोजने लगती है। और फिर चकी उसे डराने के बाद उस पे हमला करते हुए और मिस कैटवेल को मार मार कर उसका काम तमाम कर देता है। और जब घर आने पे फिल उसके स्कूल से भागने की वजह पूछता है तो वो उसे बताता है कि चकी की वजह से वो वहाँ से भाग आया है। और जोवेन के समझाने के बावजूद भी फिल उसे बेसमेंट के पास ले जाकर उसे दरवाजा खोलने को बोलता है। और जब एंडी उस दरवाजे को नहीं खोलता है तो फिल उस पे गुस्सा होते हुए उस दरवाजे को खोलकर उससे बोलता है कि तुम मुझे बताओ कि वहाँ पे तुम्हें क्या दिख रहा है। और जब एंडी उसे चकी बताता है तो फिल उसे बताता है कि उसका नाम टॉमी है। और फिर हम देखते हैं कि एंडी को लेकर फिल और जोवेन में बहस होने लगती है। और हम देखते हैं कि एंडी को समझाते हुए काइल उससे बोलती है कि मैं इससे पहले दर्जनों फैमिलियों के साथ रही हूँ और जब मैं उनके साथ कंफर्टेबल होने लगती थी तभी वो लोग मुझे भेज देते थे और इन सब चक्रों की वजह से मैं और भी ज्यादा मजबूत हो गई हूँ, क्योंकि इससे मुझे पता चला कि मुझे सिर्फ अपने आप पे विश्वास करना है और किसी पे नहीं, और तुम्हें भी अपने आप पे विश्वास करना चाहिए। जिस पर एंडी उसे बोलता है कि मैं कहीं भी चला जाऊं चक्की मुझे ढूंढ निकालेगा। और फिर हम देखते हैं कि एंडी रात में किचन की खाक छानने के बाद कटर को लेकर बेसमेंट के अंदर उसे ढूंढने के लिए चला जाता है। और हम देखते हैं कि एंडी उसे बेसमेंट में ढूंढने के बाद वॉशिंग मशीन को खोलकर चक्की को खोजने के लिए उनके कपड़ों को बर्बाद करने लगता है और तभी उसे चक्की डराते हुए उसके पीछे से भागता है। और जब एंडी पीछे उठकर पर्दों को चेक करता है तो उसे चक्की कहीं भी दिखाई नहीं देता है। और जब वो पीछे मुड़ता है तो चक्की उस पे हमला करते हुए उसे गिरा देता है। और फिर एंडी जद्दोजहद करते हुए कटर को उठा के उस पे हमला बोल देता है, जिसकी वजह से चक्की वहां से भाग जाता है और फिल उनकी आवाज को सुनते हुए बेसमेंट तक पहुंच जाता है। और जब फिल एंडी के हाथों में कटर देखता है तो उसे समझाते हुए नीचे आने लगता है और चकी उसे नीचे आते हुए देख कर इस मौके का फायदा उठाते हुए उसे फंसा कर लटका देता है। और फिर उसका हालचाल पूछने के बाद उसे गिराकर मार डालता है। और फिर हम देखते हैं कि जोवेन अपने पति को मरा हुआ देखकर एंडी पर भड़कते हुए उसे दूर जाने को कहती है। और फिर हम देखते हैं कि ग्रेस वहां पे पहुंचकर एंडी को वहां से ले जाती है और जाने से पहले एंडी चकी के बारे में काइल को वार्न भी करता है। और फिर हम देखते हैं कि काइल पुलिस के सारे डाउट क्लियर करने के बाद चकी डॉल को ले जाकर डस्टबिन में डाल देती है और सिगरेट का मजा लेते हुए झूला झूलने लगती है।
और जब झूला झूलते हुए टॉमी के पैर उसे टकराने लगते हैं तो वो उसे निकाल कर देखती है, और जब डरते हुए आगे बढ़कर डस्टबिन के ढक्कन को खोलती है तो चकी वहां से गायब होता है। और इस नजारे को देखने के बाद उसके पूरी तरह से होश उड़ जाते हैं, और तभी ऊपर वाले घर से उसे आवाज सुनाई देती है। और जब जोवेन को पुकारने के बाद भी वो उसका जवाब नहीं देती है तो वो घर खोलकर अंदर चली जाती है। और फिर अलमीरा से चाकू खोजने के बाद चकी अब जोवेन को खोजने के लिए सीढ़ी पकड़कर ऊपर चली जाती है। और जब आगे बढ़ते हुए दरवाजे को खोलकर देखती है तो चकी ने मिस जोवेन का काम तमाम कर दिया होता है। और जैसे ही वो उस नजारे को देखती है, काइल डरते हुए बिस्तर पे बैठ जाती है, और चकी बिस्तर पे पड़े हुए पर्दे को फाड़कर उस पे हमला बोल देता है, और उससे फाइट करते हुए जैसे ही वो अलग होती है, चकी वहां से गायब हो जाता है, और उसके आंखों के सामने से चाकू को उठाने के बाद उसे डराते हुए गिरा देता है, और उससे प्यार से बात करने के बाद उसे लेकर एंडी तक पहुंचने के लिए निकल पड़ता है। और गाड़ी को तेज चलाने की वजह से पुलिस उनका पीछा करने लगती है, और उन्हें ना चाहते हुए भी गाड़ी को रोकना पड़ता है। और हम देखते हैं कि पुलिस वाले से बातचीत करते समय चके की नाक से फिर से खून बहने लगता है, और पुलिस वाले के पूछने पे काइल उसे बताती है कि तुमने सुसु करती हुई डॉल्स देखी है, ये ब्लीड करता है। और फिर पुलिस वाले के छोड़ने के बाद वो लोग चले जाते हैं। और इधर हम देखते हैं कि ग्रेस के जाने के बाद चक्की से बचने के लिए एंडी अपनी तैयारी करने लगता है। और इधर हम देखते हैं कि चक्की जब काइल को धमकी देते हुए तेज गाड़ी चलाने को बोलता है तो काइल तेज गाड़ी चलाते हुए ब्रेक मारकर उसे शीशे से बाहर फेंक देती है। और जब चक्की गाड़ी के बोनेट पे पहुंचकर उसे धमकाने लगता है तो वो फिर से मजा चकाते हुए दूर फेंक देती है। और जब उसका काम तमाम करने के लिए फिर से कोशिश करती है तो चक्की वहां से भाग जाता है। और जब काइल गाड़ी से बाहर आकर उसको ढूंढने लगती है तो चक्की उस पे कूदते हुए उससे बोलता है कि अब ये खेल खत्म हो चुका है। और फिर हम देखते हैं कि किसी ने चाइल्ड केयर सेंटर में फायर अलार्म की घंटी बजा दी है, जिसकी वजह से सारे बच्चे भागने लगते हैं। और जब एंडी भी उनके साथ नीचे जाता है तो उसे पता चलता है कि काइल और चक्की उसके सामने खड़े हैं, और इस कांड को चक्की की वजह से काइल ने किया है। और जब ग्रेस उसे पूछती है कि ये सब तुमने किया है तो वो उसे बताती है कि ये सब चक्की ने किया है, जिस पर ग्रेस गुस्सा होते हुए उन दोनों को अपने ऑफिस में ले जाकर काइल पे भड़कने लगती है। और जब वो चक्की डॉल को लेती है तो चक्की उसे हेलो बोलते हुए उसे चाकू मार देता है। और काइल इस मौके का फायदा उठाते हुए जब एंडी को लेकर भागने लगती है तो चक्की दरवाजे को बंद कर देता है, जिसकी वजह से वो दोनों अलग हो जाते हैं और एंडी चक्की के साथ फंस जाता है। और फिर चक्की एंडी से बातचीत करने के बाद उसके गर्दन पे चाकू रख कर वहां से भागते हुए गाड़ी में बैठ जाता है। और काइल दरवाजा खोलने के बाद उसका पीछा करते हुए उन दोनों को गाड़ी में जाते हुए देख लेती है, और फिर अपनी कार को स्टार्ट करके उस गाड़ी का पीछा करने लगती है। और जैसे ही चक्की अपना काम शुरू करने वाला होता है, काइल वहां पे पहुंच कर उसे अपना सूल ट्रांसफर करने से रोक देती है। और जब गाड़ी को ओवरटेक करके उस गाड़ी को रोककर उसे चेक करती है तो चक्की और एंडी दोनों ही गायब होते हैं। और जब ड्राइवर उसे पकड़कर रोकने लगता है तो उसकी नजर चक्की और एंडी पे जाती है, और ड्राइवर से पीछा छुड़ाते हुए वो उनके पीछे भागने लगती है। और हम देखते हैं कि चक्की एंडी को लेकर गुड गाय फैक्ट्री में जा रहा है, और उसका पीछा करते हुए गेट बंद होने से पहले उसमें घुस जाती है। और इधर हम देखते हैं कि अंदर जाने के बाद चक्की एंडी को मारकर बेहोश कर देता है, और फिर से आत्मा ट्रांसफर का काम शुरू कर देता है। और हम देखते हैं कि उसके मंत्र फूकने के साथ ही फिर से बादलों का रूप बदलने लगता है, और हम देखते हैं कि मंत्र खत्म होने के बाद भी उसका जादू नहीं चलता है। और हमें चक्की से पता चलता है कि इस डॉल में ज्यादा टाइम होने की वजह से वो अपनी आत्मा को एंडी में ट्रांसफर नहीं कर सकता है। और जैसे ही वो एंडी को मारने वाला होता है, काइल एंडी को बचाते हुए गुड गाइड डाल के पैकेटों को उसके ऊपर गिरा देती है। और फिर हम देखते हैं कि चूहे बिल्ली का खेल शुरू हो जाता है, और फिर गुड गाय डाउन से बने हुए बुलबुलैया से बाहर निकलते हुए वो दोनों ऊपर जाने लगते हैं। और फिर चक्की एंडी को सरप्राइज देते हुए उसके पीछे पड़ जाता है, और एंडी अपनी जान बचाते हुए काइल की मदद से ऊपर आ जाता है, और काइल रास्ता बंद करते हुए उसका हाथ उसमें फंसा देती है। और फिर दोनों इस नजारे को देखने के बाद वहां से भाग जाते हैं। और फिर चक्की अपने हाथ को तोड़कर उसमें चाकू को फंसा लेता है। और इधर हम देखते हैं कि वो दोनों बाहर जाने के लिए आग डालने वाले मशीन से घुसकर उस पार निकलते हैं, और जब मशीन बंद हो जाती है तो वहाँ का वर्कर उसे आकर ठीक करने लगता है। और जैसे ही उस मशीन को ठीक करके जाने वाला होता है, चक्की वहाँ पे पहुँचकर उसका काम तमाम कर देता है।
और फिर उसे भी नई आंखें लग जाती हैं। और जब चकी उन्हें ढूंढते हुए उनके पास तक पहुंचता है तो काइल उसे मारते हुए उसे सिल देती है और फिर उसे एक ऐसे पैनल में भेज देते हैं जहाँ पे उसके नए हाथ पैर लगने लगते हैं। और चकी चिल्लाने के सिवा कुछ भी नहीं कर पाता है और जब बाहर निकलता है तो उसका पूरी तरह से कचुंबर बन चुका होता है। और जब वो दोनों ये सोचकर जाने लगते हैं कि चकी का काम तमाम हो चुका है तो हम देखते हैं कि चकी का आधा धड़ या आधा शरीर अभी भी बचा हुआ है। और जब वो दोनों आगे जा रहे होते हैं तभी वर्कर की लाश काइल से टकराते हुए उसे दूर फेंक देती है। और जब चकी आगे बढ़ते हुए उसकी टांग काटने की धमकी देते हुए उसे मारने की कोशिश करता है तो उसका हाथ एक मशीन में फंस जाता है। और जब उसके ऊपर एक मोम की बूंद गिरती है तो एंडी पूरे पाइप को खोल देता है और फिर चकी पूरी तरह से मोम से नहाने लगता है। और मोम के पंप या पाइप को बंद करने के बाद एंडी दौड़ते हुए काइल की जान बचाता है। और जब वो दोनों उसके पास जाकर उसे देखने लगते हैं तो चकी काइल को सरप्राइज देते हुए उस पे हमला करने लगता है और फिर काइल हवा के पाइप को पकड़कर उसके मुंह में ठूस देती है और फिर चकी उनके सामने गुब्बारे की तरह फूलते हुए ब्लास्ट हो जाता है। और फिर चकी के इस खात्मे के साथ ही ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टीवी सीरीज या मूवी की स्टोरी को एक्सप्लेन करते हुए। तब तक के लिए शुक्रिया।